The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So antibiotics and its resistance is a very big concern, bahut zaruri topic hai. देखिए एंटीबायोटिक अगर सही तरीके से यूज़ ना हो, एंटीबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बड़ी से बड़ी बीमारी इन्फेक्शन से बचा सकती हैं, ठीक कर सकती हैं, लेकिन अगर वो सही वक्त पे सही जगह पे यूज़ ना हो, इनकरेक्टली यूज़ हो, तो फिर कई बार ये क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया को चेंज करने पर मजबूर कर देते हैं, उनको अडेप्ट करने पर मजबूर कर देते, उनको रेजिस्टेंट बना देते हैं. सो ये बदलाव अगर किसी भी बैक्टीरिया में आता है किसी भी तरीके का, तो ये नया बैक्टीरिया जो बनता है ये पुराने वाले से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाता है, और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है. तो इसीलिए कई बार कई सारे एंटीबायोटिक फिर उन नए कीटाणुओं पर, नए रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पर काम नहीं करते. तो यही कारण है गलत इस्तेमाल, अननेसेसरी इस्तेमाल एंटीबायोटिक्स का, जो करता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, सुपर बग, सुपर बैक्टीरियास को पैदा, और जिसके वजह से पुराने एंटीबायोटिक्स, सिंपल एंटीबायोटिक्स, कम हार्मफुल एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते, और महंगे और महंगे और महंगे एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं. इसी वजह से हेल्थ केयर का रेट बढ़ता जा रहा है, लोगों की बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बैक्टीरिया भी और डेंजरस होते जा रहे हैं. दिस इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. और ये एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं, वायरस भी म्यूटेट होता है, बैक्टीरिया भी म्यूटेट होता है, और पैरासाइट भी चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत. और फिर जो नया इन्फेक्शन होता है ये पुराने इन्फेक्शन से ज़्यादा मुश्किल होता है ट्रीट होना. तो थोड़ी बातें आपको समझनी है कि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मार देते हैं या फिर उनको ग्रो करने से रोकते हैं, दोनों में से एक काम करते हैं. या तो इट माइट बी बैक्टेरियोसाइडल, साइडल मतलब मार देना, या बैक्टेरियोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब रोक देना. तो बैक्टीरियो को रोकना, तब आपकी इम्यून सिस्टम आपके बैक्टीरियाज को मार देती है, या फिर बैक्टेरियोसाइडल, तो आपके बैक्टीरिया एंटीबायोटिक खुद बैक्टीरियो को मारती हैं. ये दो तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं. रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रो करते जाएंगे एंटीबायोटिक के बावजूद. आप एंटीबायोटिक ले रहे हो लेकिन आप पे कोई असर नहीं हो रहा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है. दिस इज वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम, हर हॉस्पिटल में, हर नर्सिंग होम में बहुत कॉमन हो गया है. और इस वजह से नए नए एंटीबायोटिक बनाए जाएंगे, आपको दिए जाएंगे, महंगे महंगे होंगे, और ये एंटीबायोटिक अभी के लिए तो उस बैक्टीरिया को मार देंगे, लेकिन अगर अननेसेसरी में यूज़ होंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होंगे, तो फिर यही काम वापस होगा उस एंटीबायोटिक के साथ भी, और बैक्टीरिया और ज़्यादा रेजिस्टेंट बनते जाएंगे. तो लेट्स टॉक अबाउट क्या क्या कारण है भैया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के. नंबर वन, नंबर सबसे बड़ा काम है एंटीबायोटिक ओवर यूज सबसे बड़ा है. छोटी सी खांसी आ गई, एंटीबायोटिक, छींक आ गई, एंटीबायोटिक, सर्दी होगी, एंटीबायोटिक. यू डोंट नीड एंटीबायोटिक्स फॉर वायरल इन्फेक्शंस, राइट? एंटीबायोटिक लेना गलत है, राइट? और ये चीज़ दोनों में, ह्यूमन में, एनिमल में, दोनों में मायने रखती है. एंटीबायोटिक दोनों को सही मात्रा में लेना चाहिए, सही जगह पे लेना चाहिए. और कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे एंटीबायोटिक अननेसेसरी जगहों पे देना, जैसे मैंने कहा वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है. ज़्यादातर कोल्ड, ज़्यादातर गला खराब होना, ज़्यादातर ईयर इन्फेक्शन, साइनस इन्फेक्शन वायरसेस की वजह से होते हैं, उनमें एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए पहले हफ्ते कम से कम, ठीक है? इस वजह से ओवर यूज से दिक्कतें हो जाती है. और तीन में से एक एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन, भाई साहब सुन लो, तीन में से एक एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन नेसेसरी नहीं है. जी हाँ, इतना ये दुनिया का डेटा है, इंडिया का नहीं, दुनिया का डेटा. इंडिया में तीन में से दो एंटीबायोटिक जरूरत नहीं होती है. सो दिस इज हाउ मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक इज हैपनिंग. सो दूसरा प्रॉब्लम है नॉट टेकिंग एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड. जी हाँ, एंटीबायोटिक्स जब दिए जाते हैं वो एक तरीके के जंग के मैदान में गए हुए आपके सैनिकों की तरह है. जब आपको पहले दिन में अगर कोई जीत मिलती है तो आप पूरा का पूरा फतेह करके आते हो, सही तरीके से जीत के आना चाहते हो. ऐसा नहीं करते कि पहले दिन जीत मिलती है चलो मैदान छोड़ के चलो वापस, राइट? ऐसा तो नहीं करता कोई. लेकिन कई सारे लोग क्या करते हैं, पहले दूसरे दिन में आराम आ गया, तीन दिन आराम आ गया, उसके बाद एंटीबायोटिक बंद कर देते, ये सोच के कि कम से कम एंटीबायोटिक लेना चाहिए.
जी नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। जब एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसका कोर्स पूरा कंप्लीट किया जाता है ताकि वो बैक्टीरिया जो है एक भी कीटाणु जिंदा ना रह जाए, वरना एक भी बंदा, एक भी कीटाणु, एक भी बैक्टीरिया, एक भी वो जिंदा रहेगा वो उस एंटीबायोटिक से पहचान के अगली बार रेजिस्टेंट हो जाएगा और आप पे फैलेगा, फिर दूसरे में फैलेगा। सो गलत है नॉट टेकिंग एंटीबायोटिक एज प्रिस्क्राइब, पूरा कोर्स कंप्लीट करना जरूरी, दो दिन एंटीबायोटिक लेके बंद करना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। जब भी आप किसी मेडिकल स्टोर में जाते हैं उनको बोलते हैं भैया खांसी हो गई है, तो वो दो गोली एंटीबायोटिक दे देगा आपको, बोलेगा खाओ दो दिन में आपको आराम हो जाएगा, आपको लगेगा भाई बहुत अच्छा मेरे तो पैसे बच गए। नहीं भाई साहब, एक दो साल के बाद, पाँच साल के बाद आपके बच्चों को वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी गलती है, हमारी नहीं, यह आपकी गलती है अगर आप ऐसे काम कर रहे हो। उस मेडिकल स्टोर वाले की गलती है, उस केमिस्ट की गलती है, क्योंकि उसको पूरा नॉलेज नहीं है, वो ऐसे वीडियो देखता नहीं, शेयर नहीं करता। अगर आप जानते हो ये बात तो शेयर करो वीडियो, समझाओ लोगों को कि जो चीज़ गलत है वो गलत है, क्यों गलत है। पहला अव्वल तो एंटीबायोटिक की जरूरत है कि नहीं है, देखो है तो पूरा कोर्स करो भाई साहब, पाँच दिन का है तो पाँच दिन, दस दिन है तो दस दिन, दो दिन तीन दिन लेके बंद मत करो, ठीक है। थर्ड इज मिस यूज का मतलब है जो ये हो रहा है कि मान लीजिए आपके माताश्री, पिताश्री, दादाजी, किसी के लिए कोई एंटीबायोटिक आया है घर में और उन्होंने दो दिन लेके बंद कर दिया, आपको भी सर्दी होगी, आपने भी उन्हीं का एंटीबायोटिक उठा के खा लिया, आपने भी दो दिन लेके बंद कर दिया, तीन दिन लेके बंद कर दिया, मिसयूज़ से क्या होता है, मे बी आपके ऊपर वो सेम डोज इफेक्टिव ना हो, मे बी आपके लिए हैवी हो जाए, मे बी आपके लिए लाइट हो जाए। सो हर इंसान के लिए एंटीबायोटिक डोज अलग होता है, आपको एंटीबायोटिक डोसेज अपने हिसाब से सही तरीके से सेट करना होगा। अगर आप डोसेज गलत तरीके से मिसयूज़ करेंगे तो ये बहुत ही बड़ी गलती होगी, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक इज अ बिग प्रॉब्लम। देन देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सपोजर ऑफ फूड सोर्सेस, जी हाँ ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं। एंटीबायोटिक्स में एक बहुत बड़ा इशू ये भी है कि एंटीबायोटिक जो है वो एग्रीकल्चर में, फूड प्रोडक्शन में बहुत वाइडली यूज़ होते हैं, और फूड प्रोडक्शन में क्या हो जाता है कि जो खाना जो एग्रीकल्चर होता है उसमें बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाने के लिए, आपके खाने पीने में, आपके फूड एग्रीकल्चर वाली चीज़ों पर स्प्रे किया जाता है एंटीबायोटिक्स। उनसे क्या होता है उस फूड सप्लाई चेन में, मान लीजिए फूड सप्लाई चेन में रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक्स हैं तो वो उसके ऊपर आने वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो और रेजिस्टेंट हो जाते हैं। सो एग्रीकल्चर में जो किसान लोग हैं वो जो एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने लगे हैं वो भी एक कारण है एंटीबायोटिक मिसयूज़ का। सो चार कारण हमने बताए हैं, जो लोग नहीं देख पाए उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ। नंबर एक कारण है एंटीबायोटिक नहीं काम है तब भी यूज़ करना सर्दी खांसी में। नंबर दो कारण है पूरा कोर्स कंप्लीट ना करना। नंबर तीन कारण है मिसयूज़ करना, दूसरे की एंटीबायोटिक उठा के खुद खा लेना। और चौथा कारण है जो एग्रीकल्चर में एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो रहे हैं खाने पीने के प्रोडक्ट्स के ऊपर जो उसके लिए। सो क्यों एंटीबायोटिक कंसर्न है बहुत बड़ा, याद रखिए अगर आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता रहेगा और आगे ऐसे ही रहता रहेगा तो आगे चल के दो साल, पाँच साल, दस साल बाद और स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ने लगेगी। ये सारे आज के एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगे, ये सारे स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स के और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइड इफेक्ट्स होंगे, तो आगे का इलाज साइड इफेक्ट भरा होगा। नंबर दो, और ज़्यादा महंगा होगा, ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ेगा, साइड इफेक्ट बढ़ेगा, और जो बीमारी होगी, जो इन्फेक्शन होंगे और ज़्यादा डेंजरस भी होंगे। सो बीमारी, क्योंकि बैक्टीरिया और ज़्यादा खतरनाक होंगे, बीमारी डेंजरस होंगी, हॉस्पिटल में एडमिशंस बढ़ जाएंगे, हॉस्पिटल में एडमिशंस का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, मौतें होनी, डेथ होनी बढ़ जाएगी, ये सारी गड़बड़ होगी आप लोगों के एक छोटी गलती से। सो कृपया ऐसा ना करें, ये फैल रहा है क्योंकि एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को ये सारी बातें नहीं पता होती है, और हॉस्पिटल स्टाफ और इसमें भी कभी एक पेशेंट को गड़बड़ कर दी, उससे दूसरे को फैल गया, दूसरे से तीसरे को फैल गया, हॉस्पिटल के अंदर भी फैल जाते हैं कई बार इन्फेक्शन। सो अननेसेसरी ट्रीटमेंट्स ना हॉस्पिटल वाले करें, ना डॉक्टर्स करें, ना पेशेंट खुद करें, ना केमिस्ट वालों से तो हाथ जोड़ के विनती है भैया डॉक्टर को डॉक्टर रहने दो, खुद डॉक्टर मत बनो, राइट, डोंट डू दैट। सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्प्रेड बैक्टीरिया एनिमल्स से ह्यूमन में भी जा सकता है,
जैसे कि अगर आप ऐसे एनिमल्स को खाना पीना खिलाओगे, ऐसा फॉडर खिलाओगे, ऐसी चीज़ खिलाओगे जिनमें एंटीबायोटिक डाले हुए हैं बहुत ज़्यादा मात्रा अननेसेसरीली, तो उनके अंदर के जो बैक्टीरिया है एनिमल के, वो और रेजिस्टेंट हो जाएंगे, और ऐसे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आगे चल के आपको भी अफेक्ट कर सकते हैं, एनिमल से ह्यूमन में आ जा सकते हैं। क्योंकि जब भी इस तरह का रेजिस्टेंस डेवलप होता है, म्यूटेशन होता है, तो वो ऐसा म्यूटेशन हो सकता है कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे मैमल्स को भी अफेक्ट करें, राइट। इसी से वैक्सीन्स भी, इसी से वायरसेस भी डेंजरस वाली आई हैं दुनिया के अंदर। सो आपको समझना होगा कि ये सारे हमारा ही किया धरा है, हम ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। हम ह्यूमंस को समझना होगा हमारी क्या गलती है। सो कैसे प्रिवेंट करोगे भाई साहब? एंटीबायोटिक यूज़ करो जब ज़रूरत है तब, वरना फालतू में मत करो। अनयूज एंटीबायोटिक्स है फेंक दो, डिस्कार्ड कर दो, दूसरे की एंटीबायोटिक खुद पकड़ के मत खाओ, और प्रिस्क्राइब करने वालों से उम्मीद है कि वो भाई वायरल इन्फेक्शंस को एंटीबायोटिक नहीं देंगे। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो वो दिन दूर नहीं है जब इलाज करवाना आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा, इतना महंगा हो जाएगा। सो कृपया कृपया इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। भाई साहब बात पते की है और इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको समझ आई तो दूसरों को ज़रूर समझाएं, राइट। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच। डू आस्क एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव।